राजनांदगांव जिले के ठाकुर टोला स्थित टोल नाके में गुरुवार को हुए तोड़फोड़ और उपद्रव करने वाले प्रदर्शनकारियों की पहचान के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। गुरुवार दोपहर को हुए प्रदर्शन के दौरान टोल नाके के चेंबरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, वहीं बैरियर को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया गया है। गौरतलब है कि राजनांदगांव जिले के CG08 पासिंग की चार पहिया वाहनों से टोल टैक्स लिए जाने के मामले का निपटारा करने के लिए गुरुवार को बड़ी तादाद में स्थानीय नेताओं और व्यापारिक संगठनों ने ठाकुर टोला टोल प्लाजा में धावा बोला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किसी भी तरह की हिंसा नहीं किए जाने के लिए चेतावनी दी थी। इस बीच एक टोल कर्मी द्वारा वीडियो बनाए जाने से प्रदर्शनकारी नाराज हो गए और थोड़ी ही देर में भीड़ ने ताबड़तोड़ हिंसक कार्रवाई टोल प्लाजा में शुरू कर दी। इस प्रदर्शन के दौरान टोल कर्मियों की जमकर पिटाई भी हुई, जिसके बाद कर्मचारी टोल प्लाजा छोड़कर खेतों की तरफ भाग गए। आपको बता दें कि लंबे समय से टोल प्लाजा के कर्मियों के बर्ताव को लेकर प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है और राजनांदगांव के गाड़ियों से वसूली किए जाने का सिलसिला लगातार जारी रहा। कुछ दिनों से व्यापारिक संगठन और अन्य लोग टोल टैक्स लिए जाने से गुस्से में थे। प्रदर्शन करने के दौरान यह गुस्सा हिंसा में बदल गया। इधर मामले के बाद प्रशासन ने टोल टैक्स की अधिकृत कंपनी अशोका बिल्डकॉन प्रबंधन के साथ बातचीत की कोशिश की। प्रशासन की पहल को कंपनी प्रबंधन ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। रोजाना राजधानी रायपुर और दुर्ग भिलाई जाने वाले लोगों को घंटों फास्ट टैग के चलते जाम में फंसना भी पड़ रहा है। प्रबंधन के हठी रवैये ने विवाद को बढ़ाने का काम किया। इस संबंध में राजनांदगांव CSP श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि CCTV फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। टोल प्लाजा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस कानूनी आधार पर कार्रवाई करेगी। इस बीच तोड़फोड़ को लेकर स्थानीय नेताओं ने पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि जनता पर आर्थिक बोझ पड़ रहा था, बहुत कम नहीं अधिक, और बहुत सारे हमारे जो एम्बुलेंस वगैरह हैं उनको भी रुकना पड़ता था। विभिन्न परेशानियां हो रही थी। जिस तरह पहले चल रहा था बाईपास, उन्होंने उसको ताक में रखकर टैक्स बढ़ा दिया। फास्टैग वाले उनसे 190 ले रहे थे, विदाउट फास्टैग 280 ले रहे थे। चूँकि नियमानुसार ये अवैध है, वैध नहीं है, 60 किलोमीटर के अंदर बनाया जाता है, और ये जगह भी निर्धारित नहीं है, टप्पा जगह निर्धारित है। बार बार बोलने के बाद भी कार्रवाई की जा रही थी, लोगों से लोगों को लूटा जा रहा था, तो निश्चित रूप से शांति से हमने आंदोलन किया और हम लोगों ने अपना अलग से बाईपास बना लिया, वो है जनता का बाईपास। वहीं टोल प्लाजा के कर्मचारियों का कहना है कि अधिकारियों की मौजूदगी में शहर के कई प्रमुख राजनेता और जिम्मेदार नागरिक मौजूद थे, ऐसे में पुलिस ने हिंसा पर आमादा भीड़ को रोकने के लिए ठोस पहल नहीं की। अफसरों को पूरी तरह से हिंसा में शामिल लोगों के चेहरे अच्छी तरह याद हैं, इसके बावजूद पुलिस कानूनी कार्रवाई करने के लिए ढील बरत रही है। राजनांदगांव से देश टीवी के लिए प्रदीप मेश्राम की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।